नमस्कार। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी दो राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता जिंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौच नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है। हम शरीफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। यही पहचान हमें बना के रखनी है अपनी आगे भी। तो मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना, गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी देशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बहुत बहुत बधाई। जितने गुजरात में कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना शानदार कैंपेन किया, आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। थोड़े दिन आराम कर लो, उसके बाद फिर से अपने को काम पे लगना है। और एक चीज़ है, चुनाव आते जाते रहेंगे, हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं। वो सेवा बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चुनाव हो गया, अब हम अपने अपने घर चले जाएं और हम अपने लोगों की सेवा करो, अपने समाज की सेवा करो, अपने गांव की सेवा करो, अपने मोहल्ले की सेवा करो। कहीं कोई दुखी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी हमेशा सेवा करनी है। चाहे वोट मिले ना मिले, वोट मिलेंगे, अच्छा काम करोगे वोट भी मिलेंगे, लेकिन केवल वोट के लिए अपने को काम नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया।